Hello friends, welcome to the new video on the platform of Tax for Wealth. As promised earlier, in this video we will be exclusively talking about derivatives. तो दोस्तों इस यूनिक वीडियो में हम लोग आज आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताएंगे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। पहला चीज, डेरिवेटिव होता क्या है। बेसिकली डेरिवेटिव के बारे में हमने बहुत सुना है कि डेरिवेटिव बहुत डेंजरस होता है, डेरिवेटिव में लॉस ज्यादा हो जाता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बहुत रिस्क हाई है। डेफिनेटली मैं इन सारी पॉइंट्स को एक एक करके कवर करूंगा। पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ सम एग्रीमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिकली कोलैटरल, ऑन द बेसिस ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट, उसके बेसिस पे दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक बायर और एक सेलर, और उन दोनों को मॉनिटर कौन करता है, अपना स्टॉक एक्सचेंज, कि बायर टाइम पे पैसा दे और सेलर को टाइम पे पैसा मिले। और ये जो पूरी ट्रांजैक्शन होती है डेरिवेटिव में, इसके बीच में एक टाइमलाइन होता है जिसको कहते हैं एक्सपायरी। तो उस एक्सपायरी तक ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज के बीच में वैलिड होता है। अब इस डेरिवेटिव के अंडर जो अंडरलाइंग एसेट होता है उसकी जगह पे एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम। तो आज आप लोगों को प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड बिटवीन टू पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ ए म्यूचुअल एग्रीमेंट डन बिटवीन द टू पार्टी ऑन अ पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट। अब दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, तो दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट में एक वर्ड जो अभी मैंने आपको बताया प्रीमियम, हमेशा प्रीमियम पे किया जाता है या प्रीमियम रिसीव होता है। अब प्रीमियम देता कौन है, हमेशा बायर प्रीमियम पे करता है। आई रिपीट, बायर प्रीमियम पे करता है और रिसीव कौन करता है, सेलर, सेलर रिसीव प्रीमियम। तो बायर और सेलर इन दोनों के बीच में एक ही चीज समानता है, वह प्रीमियम। सो प्रीमियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर पार्टी। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम एक्सचेंज और प्रीमियम शिफ्ट। ये होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि डेरिवेटिव के कितने टाइप होते हैं। तो प्राइमरली डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग होती है या डेरिवेटिव जो मार्केट होता है, इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं। पहले को कहते हैं फ्यूचर और दूसरे को कहते हैं ऑप्शंस। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, डेरिवेटिव जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है फ्यूचर और दूसरा होता है ऑप्शंस। इसके ऊपर मैं काफी डिटेल्ड में हम लोग मल्टीपल वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों को डेरिवेटिव मार्केट समझ में आना शुरू हो। प्लस ये भी चीज समझना जरूरी है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती क्या है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के क्या क्या फायदे हैं और डेरिवेटिव ट्रेडिंग से क्या डरने की जरूरत है। तो पहला दोस्तों पॉइंट क्या है, फ्यूचर और ऑप्शन। उससे पहले दोस्तों डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सेटलमेंट कौन मॉनिटर करता है, वो होता है अपना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज अंडर रेगुलेटेड बाय सेबी। मतलब दोस्तों जो हम डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इट इज क्या सेफ है, 100% इट इज सेफ, बिकॉज उस कॉन्ट्रैक्ट की एक वैलिडेशन होती है, एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट आईडी होती है, ऑर्डर नंबर होता है, मतलब 100% इट्स लाइक अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। बट आप लोगों के क्या मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके हम या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन पैसा को डूबने से जरूर बचा सकते हैं। जैसा कि हम पोर्टफोलियो क्लाइंट्स के बारे में बताएं, अगर आपने सपोज 1,00,000 रुपीज का पोर्टफोलियो बना रखा है और आपका पोर्टफोलियो आज से गिरने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप बिल्कुल मतलब यू फील लाइक हेल्पलेस, आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो। बट अगर आपने डेरिवेटिव में उसी चीज की शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी हुई है, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करके रखा है, तो वहां पे आप अपने रिस्क को हेज कर रहे हो। हेज मतलब यू आर एक्चुअली एडजस्टिंग योर प्रीमियम, आप अपने प्रीमियम को एडजस्ट कर रहे हो, एंड दैट इज बीइंग हेज्ड। हेज मतलब प्रॉपरली इट इज बीइंग मैनेज्ड, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर हेजिंग इज बिंग डन इन डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव्स की जो शुरुआत हुई थी वो हेजिंग के पर्पस से हुई थी, बट आज के टाइम कुछ लोग नेकेड करते हैं। नेकेड मतलब वन साइडेडली, अगर आपने डेरिवेटिव लिया या आपने बाय किया या आपने सेल किया, उसमें कई गुना ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो पोजिशन इज अंडरलाइन हाई अमाउंट ऑफ रिस्क। तो पहली चीज, जो भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग आप करते हैं उसमें एक चीज अंडरलाइन जो वैल्यू होती है स्टॉक की या जो प्रीमियम होती है, उसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, बिना उसके आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो आज के आज ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग का बेसिक्स इस वीडियो के थ्रू आप सीखें और अपने आसपास के लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियोस आपके पास लेके आए। हम लोग पूरे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू टैक्स फॉर वेल्थ के अनेकों वीडियोस लेके आएंगे, जिससे आपको डेरिवेटिव समझने में लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।